गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो जी क्या हाल चाल है आप सब के? होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये मेरी थर्ड वीडियो है। ये देखिए मैं जो है वो न्यू स्टॉक लगाया है तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए न्यूड वाली पैलेट है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें कलर्स भी लाइट लाइट है, जिन जिन को लाइट लाइट कलर्स पसंद है तो ये ले लें, ये बहुत ही अच्छी पैलेट है। तो ये दूसरी आपको दिखा रही हूँ, ये पैलेट की पैकिंग दिखें, ये बहुत ही अच्छी पैकिंग है इसकी। इसमें ग्लिटर शेड भी हैं, कुछ मैट के हैं, कुछ जो है मखमली शेड्स वगैरह हैं, लिपस्टिक के कलर्स भी हैं और इसमें जो है ब्लश भी है और हाइलाइटर भी है। ये मतलब छोटी सी है मगर बहुत अच्छी है और पिगमेंटेड भी बहुत ही है। ये देखें, आप देख सकते हैं ये ग्लिटर वाली भी, ये देखें। तो जी ये रहा ब्लश, ये जो है मुझे कस्टमर ने कहा कि मुझे मंगवा के दो और इसकी रिज़ल्ट भी बहुत अच्छी है। उसने एक लिया फिर दूसरा भी मंगवाया, उसने कहा कि दूसरा भी मंगवा के दे मुझे ये वाला, तो दोनों ही मैंने मंगवा लिए, दो मंगवा लिए। तो दूसरा कोई अगर लेगा तो मैं उसे दे दूँगी। तो ये रहे ब्लश, ब्लश के बाद मैं आपको आई शेडो दिखाऊँगी, बहुत ही ज़बरदस्त। ये रही मखमली शेड्स भी हैं और इसमें मेट के भी शेड्स हैं, 48 मखमली हैं, 48 मेट हैं। तो आप देखें ये कितने कलर्स हैं, जो भी मतलब ये सारे शेड चाहता है ना बस ये ले ले पैलेट, ये बहुत ही ज़बरदस्त पैलेट है। ये देखें इनके कलर, ये मेट वाले हैं पूरे, ये दिखा रही हूँ आपको ये वाले, ये मेट कलर्स हैं। और ये देखें हल्का सा स्वेच किया है मैंने क्योंकि ये कस्टमर को देनी है, इस वजह से मैंने कहा आपको दिखा दूं फिर जो है मैं इनको दे दूं। ये जो है वो देखें मखमली शेड्स, इनको ये मतलब शिमर जो हम शाइनिंग शाइनर कहते हैं ना वो नहीं है, मतलब ये वो टच देते हैं मखमली शेड्स से, ठीक है। और ये रहा मिसरोज काजल्स, इसमें जो है वो दो आते हैं, ये दो ब्रशेज आते हैं और एक जो है वो इसमें ब्राउन कलर है और एक ब्लैक कलर है। ये आप लाइनर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। ये असल में ये पैकिंग इसकी लगी हुई है मगर थोड़ा सा मैं आपको ये देखें दिखा देती हूँ। ये देखें ये लाइनर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आईब्रोज वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें दूसरा ब्राउन शेड है, ये आईब्रोज के लिए होता है कि मतलब आईब्रोज वगैरह आप बनाते हैं तो इस वजह से। ये देखें ये मैं खोल के नहीं दिखा रही है, बस ऐसे ही पैक लगा हुआ है ना तभी थोड़ा आपको खोल के दिखा रही है। अब ये आ गई मस्कारा, ये तो मस्कारा बहुत ही अच्छा है, जब मैंने यूज़ किया ना तो लैशेस ना उभरी हुई बहुत ही अच्छा था। ये देखें इससे ना लैशेस बहुत ही कमाल की लगती हैं। ये जो है कस्टमर ने डिमांड की थी कि मंगवा ले। और ये रही क्लिनजिंग मिल्क रिवाज वालों की, ये क्लिनजिंग मिल्क भी बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छी लगी मुझे। ये जो ऑर्डर आया था तभी जो है वो मैंने मंगवा ली, ये देखें ज़बरदस्त। अब मैं आपको ना वो मिस रोज़ की मैट फाउंडेशन दिखाऊंगी, ये रही आ गई इसमें मिस रोज़ की मैट फाउंडेशन। ये देखें थोड़ा सा मैं लगाऊंगी सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि रिज़ल्ट कैसी है, ठीक है। ये देखें और जो है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और लाइक भी किया, मगर जो है वो आप अपने फ्रेंड्स को भी कहें कि वो आगे शेयर करें, ठीक है। और ये फिटमी की आ गई, ये फिटमी की भी मैं स्वेच दिखाऊंगी, आप देख लें। मतलब थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ मगर आप क्वालिटी तो चेक करें, ज़बरदस्त क्वालिटी है। अगर किसी को भी ऑर्डर देना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से जो है वो मुझे ऑर्डर दे सकते हैं तो मैं आपको जो है वो डिलीवर कर दूँगी, सही है। और ये रहा लाइनर, ये देखें लाइनर बहुत ही ज़बरदस्त लाइनर है इसकी, जो है ना बाहर से ये लग रही है कोई चीज़ है, ये देखिए कैसे भी आप लोग लगा सकते हैं, पतला मोटा जो भी आपकी मर्ज़ी है, मगर ये लाइनर देखें। अब जो है वो मैं आपको ग्लिटर वाले लाइनर दिखाऊंगी, ये इसको पहले शेक करते हैं फिर जो है इसको लगाते हैं या इस पर लगाते हैं। ये देखें ये मतलब ऐसे ही बस लगा लो और काजल वगैरह लगाओ ना भी लगाओ आपकी मर्ज़ी है, मगर बहुत ही अच्छी लगती हैं आईज इस पर। ये पर्पल शेड तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये देखें वाओ कितना अच्छा शेड दे रहा है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें आगे आगे। ये कलर देखिए
सी ग्रीन टाइप है थोड़ा, मतलब हाँ ग्रीन है, सही है। अब मैं आपको दिखाऊंगी टिश्यू वाइप्स, ये देखें टिश्यू वाइप्स, ये भी बहुत ही कमाल के हैं। मतलब एक ही लो पूरा मेकअप साफ कर लो, मतलब एक ही ज़्यादा होता है इसमें। वेट टिश्यू पेपर्स हैं मेकअप रिमूवर के, सही। और क्या बताऊँ, आपने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए घूमने, तो फिर कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।